कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कांवड़ी रुके हुए हैं। जाते समय लांगा रोड से ये मंदिर पड़ता है हनुमान जी का। जे इतने सारे मैंने फुलाए ये वाले। तो हम जा रहे थे डियर पार्क घूमने के लिए, हमारा ही डियर हो गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर बैठ रखा है मंकी। ये देखिए दूसरा घर से आ चुका है बाहर। ये देखिए कितना खतरनाक गर्दन है इनकी। तो ये देखिए ये कितना खतरनाक सांप है, वर्मी अजगर है भाई ये अजगर। ये है वाइन स्नेक यार। ये देखिए यहीं पे आ रहा है एकदम धागे की तरह है भाई साहब। मेरा फूल और इधर भी है और मैं सुंदर भी लग रही हूँ गाइस। और कुछ गाइस देखिए हम लोग भीग गए। देखो गाइस परसों अपना मुंह छुपा रही है। दोस्तों मैं देव भूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आ चुका हूं मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सैलाकुई से। और अभी यहां पर सुबह के बज चुके हैं 8:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है आज। तो कल था दीदी का बर्थडे, लेकिन वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगी आज, क्योंकि उसकी कंपनी की मतलब कंपनी के लोग आएंगे ना आज, तो इसलिए तो आज करेंगी वो बर्थडे पार्टी। और आज बर्थडे पार्टी भी होगी। बाकी आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए मालसी डियर पार्क देहरादून में। तो मैं अभी पहले मम्मी को लेने जाता हूँ, फिर तब साथ चलेंगे ना सब घूमने के लिए। मम्मी भी कहीं घूम नहीं रखी, इसलिए मम्मी को लेने जाता हूँ, फिर चलते हैं घूमने के लिए देहरादून डियर पार्क, अगर बारिश ना हुई तो। क्योंकि यहाँ पर बारिश कम से कम एक हफ्ता तो हो गया, लगातार चली रही है बारिश हो रही है। थोड़ा धूप आ रही है उसके बाद बारिश ही बारिश। अब मौसम की तो ये देखिए मौसम ऐसा कुछ हो रखा है, बादल लगा हुआ है, चारों तरफ बादल ही बादल लग रखे हैं। बाकी पहाड़ों में तो लगातार बहुत भयंकर बारिश हो रही है, और यहाँ पर दो दिन से तो इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना, चारों तरफ पानी पानी भर गया है। बाकी सूर्य देवता दिख ही नहीं रहे हैं, मतलब आ चुके होंगे, ऊपर पहुँच चुके होंगे। तो ये देखिए अभी सावन का महीना चल रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए मंदिर में चहल पहल है, और कल सावन का पहला सोमवार है। तो ऐसा कुछ ये देखिए ऐसा कुछ मौसम हो रखा है यहाँ का। बाकी ठंडी तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन हल्की हल्की ठंड हो रही है। और बाकी यहाँ पर देखिए आप लोग कितने ऊपर मतलब मकान बना लिया है यहाँ पर, यहाँ तक पहले कितने नीचे था जब मैंने दिखाया था आप लोगों को, अब देखिए कितना ऊपर तक चिनाई हो चुकी है। तो ये देखिए चारों सबके छत में इतना पानी भर रखा है ना, इतना ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर। और वहाँ उसके पीछे देखिए वहाँ पर भी कितना ज़्यादा पानी भर रखा है। बाकी वो देखिए कितना हरा भरा हो रखा है अभी सैलाकुई में यहाँ पे। और ये कंपनियाँ देखिए अभी थोड़ा सा बंद पड़ी है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर लोग आ भी नहीं पा रहे हैं ना ज़्यादा, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ा सा थमी हुई है इसलिए। तो आज देखते हैं जाते हैं देहरादून घूमने के लिए, उस साइड ना हो बारिश। चलता हूँ फिर मैं विकास नगर मम्मी को लेने। बाकी मम्मी घर से निकल चुके होंगे, और क्योंकि मम्मी को वहाँ पे पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा। बाकी मम्मी बोल रहे थे अभी फ़ोन करके, नाश्ता वास्ता कर लिया है तो रेडी होके निकल रहे हैं। तो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से, फिर विकास नगर से मम्मी को लेके फिर यहाँ आऊँगा, फिर चलते हैं फिर देहरादून घूमने के लिए जू पार्क में। तो चलो फिर चलते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा गीला हो रखा है सीढ़ी में, यहाँ पर देखिए पानी कितना ज़्यादा भर रखा है। तो यहाँ पर है अपनी एक्टिवा। बाकी महेश भी वहाँ पर कहीं जा रहा है शायद, देखता हूँ पूछता हूँ कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना कीचड़ कीचड़ हो रखा है, यहाँ पर पानी भर रखा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर तो काई जम रखी है, इसकी वजह से फिसलन होती है। हो गया महेश? ओ महेश क्या अच्छा दूध लेने गया? अच्छा कहाँ चाबी कहाँ रखी उसने? दे दे। अरे यार मैंने चप्पल पहन रखी, हाजिर मैं मम्मी को लेने जाता मंडन के मुटे मम्मी ले आई पर जाने थोड़े से विकास नगर विकास नगर थोड़े जाने होते अलो वो तो मम्मी अन्न जाए विकास नगर तो अच्छा। चेंज तू घर जाने तब तक घर जाने वही विकास नगर लाने मम्मी ने। चल तो अच्छा
गौतम। तो देखिए महेश भी आ चुका है दूध लेके, अभी वहाँ दुकान पे गया था दूध लेने के लिए, तो अब दूध लेके आ चुका है, अब चलते हैं। वो भी जा रहा है विकास नगर वहाँ पे टायर डलवाने के लिए, उसके टायर में भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो टायर डलवा के लेके आएगा। बाकी मैं भी अब निकालता हूँ एक्टिवा, फिर चलते हैं। बारिश ना हो बस आज, और तो कुछ नहीं है। वो अब किक मार के स्टार्ट कर रहा है क्योंकि उसकी सेल्फ से काफ़ी कम होती है स्टार्ट, पुरानी हो गई ना इसलिए स्टार्ट कर रहा है। किक मार के स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भर रखा है पानी और यहाँ पर हरी हरी घास जम रखी है, और वो देखिए वहाँ पर काई जम रखी है। अबे काई जम रखी है वहाँ पे, तो चलते हैं अब। तो मैं निकल चुका हूँ सैलाकोई से और महेश जरा तेल भराने जा रहा है अभी। तो यहाँ पे देखिए कितना ट्रैफिक रहता है, संडे को तक ट्रैफिक है, जबकि यहाँ पर कंपनियाँ बंद रहती है संडे के टाइम। तो मैं भी थोड़ा सा रुक लेता हूँ, आराम आराम से चलता हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा भीड़ है सुबह शाम को, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है ना, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इसलिए। तो अभी आएगा महेश भी, जैसे यहाँ पर एक कॉलेज है माया कॉलेज, यहाँ पर पारस का कॉलेज है, पारस आता है यहाँ पर पढ़ने के लिए, जो उधर विकास नगर से उधर जो हमारा घर है ना वहाँ से आता है। बाकी ये देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ पर क्रेन भी खड़े हैं। तो ये है पारस का कॉलेज, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये रहा, ये लेफ्ट साइड में देखिए ये माया कॉलेज, ग्रुप ऑफ माया कॉलेज है, यहाँ पर पढ़ता है पारस, BCA कोर्स कर रहा है। बाकी अभी यहाँ से जाना है विकास नगर होगा लगभग 10-15 किलोमीटर तो होगा, तो वहाँ जाना है। मम्मी आ गए हमें वहाँ से घर से, तो चलते हैं अभी। महेश आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हूँ। कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कांवड़ी रुके हुए हैं, और ये देखिए कांवड़ी यात्रा रुके हुए हैं, मतलब अब यात्रा स्टार्ट हो चुकी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा कांवड़ी। ये देखिए हैवी ड्राइवर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पहुँच चुके हैं लांगा रोड, और यहाँ पर देखिए भुट्टे बेच रहे हैं। बाकी यहाँ से जा रहे हैं, लांगा रोड से जाता है एक रास्ता विकास नगर की ओर, जो कि शॉर्टकट पड़ता है। तो ये देखिए जगह जगह पर भुट्टे बेच रहे हैं, अभी भुट्टे का सीज़न है। तो ये देखिए काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं यहाँ पर भुट्टे खाने के लिए, और ये देखिए महेश आगे आगे जा रहा है। बाकी ये देखिए कितना हरा भरा हो रखा है बरसात के बाद, और इधर उधर लगा रखे हैं, फसल लगा रखी है, धान लगा रखे होंगे। देखिए अभी रोपाई चलेगी यहाँ पर भी, पानी इकट्ठा हो रखा है। देखिए वहाँ पर रोपाई कर रखी है, यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी है। ये देखिए इस साइड रोपाई कर रखी है, नीचे इस साइड पूरा रोपाई कर रखी है। बाकी काफ़ी अच्छा लगता है जब रोपाई होती है। तो यहाँ से लांगा रोड से इसलिए जाते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक कम होता है ना, इसकी वजह से लांगा रोड से जाते हैं हम। तो वहाँ ट्रैफिक विकास नगर में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और नीचे वाले अलबरपुर से होता है ज़्यादा ट्रैफिक, और ये लांगा रोड से जा रहे हैं हम लोग। हम भी पहुँच गए होंगे शायद। खुशी मिलती है मुझे मेरे पहाड़ों में, बीते मेरे दिन देख कई सालों में, जहाँ देखूं आना पल के झुका लूं मैं, पहाड़ों पर ही बस जिंदगी बिता लूं मैं। जाते समय लांगा रोड से ये मंदिर पड़ता है हनुमान जी का, जय हो हनुमान जी। ये हनुमान जी का मंदिर पड़ता है रास्ते में। यहाँ से निकल रहे हैं अभी विकास नगर की ओर। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, एकदम जैसे बारिश होती है ना उसके बाद जो बारिश थमती है ना, उसके बाद जो नज़ारा दिखता है ना, एकदम देखने लायक नज़ारा है, एकदम इतना मस्त है। देखिए पूरा नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, और मौसम तो अभी इतना अच्छा हो रखा है ना यहाँ पर। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ विकास नगर, और अभी मम्मी आ रहे हैं थोड़ी देर में। बाकी विकास नगर में आज मार्केट बंद है, काफ़ी सूना सूना लग रहा है यहाँ पर, पूरा मार्केट बंद है यहाँ पर। मम्मी अभी तक आए नहीं, बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। बारिश तो काफ़ी तेज़ होगी तो घूमने कैंसिल हो जाएगा, इसलिए देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। दोस्तों अब यहाँ पर बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो मम्मी भी पहुँच चुके हैं साइड, उधर पर रुके हुए हैं, तो मेरे को भी निकलना होगा। देखिए यहाँ पर विकास नगर में हो रही है बहुत तगड़ी बारिश अभी, और सैलाकोई साइड बारिश नहीं थी,
तो ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना भयंकर बारिश होती है। और यहाँ पर है पिज्जा सेंटर जो कि सबसे फेमस है यहाँ पर, यहाँ का पिज्जा सेंटर यहाँ पर ऊपर की साइड है। तो ये देखिए बारिश काफ़ी तगड़ी हो रही है, तो निकलता हूँ अब यहाँ से। फिर मम्मी आगे पहुँच चुके हैं आगे पे। फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं सैलाकुई में, और ये देखिए कैसा भीग चुका हूँ मैं, पूरा भयंकर बारिश लगी अभी बीच रास्ते में। ये देखिए पूरा भीग चुका है, और मम्मी भी भीग चुके हैं, मैं भी भीग चुका हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है बारिश। ये देखिए कपड़े पूरे भीग चुके हैं, अभी कपड़े चेंज करते हैं, बाकी तब देखते हैं, अभी मौसम साफ रहेगा फिर जाएंगे, वरना तो क्या करना है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना भाई साहब, पूरा भिगा दिया। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। एंजॉय करना है तो इधर को आ जाना है। लो क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर सारे घूमने को जा रहे हैं। बाय बाय बाय। दोस्तों अब हम जा रहे हैं डियर पार्क घूमने के लिए, और दीदी लोग चले गए हैं, बाकी मैं और मम्मी और दीदी रह रखी है फिर जाने के लिए। बाकी बारिश हो रही है बाहर, काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश। और यहाँ पर देखिए अभी हम बलून फुला रहे थे, ये देखिए पीछे कितने सारे बलून फुला रखे हैं, सारे मैंने फुला रखे हैं, एक भी किसी ने हाथ नहीं लगाया, इतने फुला रखे हैं मैंने, इतने सारे मैंने फुलाए ये वाले। और यहाँ पर ये कल बनाया था, दिल बना रखा था वहाँ पे। बाकी देखिए यहाँ पर भी फुला रखे हैं, ये फ़ोटो खींच रही है अभी यहाँ पे। तो अभी थोड़ी देर में निकलते हैं उसके देहरादून की ओर। खुशबू मेरे पहाड़ों की मिट्टी पर, जाना कहाँ जब पहाड़ों पे मेरा घर, ऊंचे पहाड़ों पर घूमू मैं बेफिक्र, बैठा रहूं बस ठंडी हवाओं पर। निकल रहे हैं यहाँ से, दीदी लोग तो पहुँच भी गए होंगे, बाकी मम्मी और दीदी और मैं जा रहे हैं यहाँ से, महेश भी जा रहा है आगे, महेश अभी विकास नगर से। तो यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा पानी भर रखा है, हम भी जा रहे हैं, तो ऐसे क्या घूम रहे हो फिर। ये देखिए यहाँ पर पानी पानी, कौन सा टायर डलवा के लाया पीछे का, हमें तो क्या गम है। लो ये हूँ लो फोन तो कपड़ा का भीतर लो, मैं ले आऊं ऊपर ना, कपड़ा का भीतर बैठो ले, मिनट रंग से बैठो, बोतल क्या है चाहिए। तो निकल चुके हैं हम डियर पार्क घूमने के लिए, और दीदी और पहुंचने वाले होंगे अब, तो ऑटो से गए थे। बाकी ये देखिए आगे जा रहा है महेश, और मम्मी और नहीं हम पीछे जा रहे हैं। बाकी बारिश काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, कब से लगी हुई है बारिश, लगातार 3-4 दिन से बारिश ही हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए मौसम कितना ठंडा हो गया है अब यहाँ पर, इतनी ठंड लग रही है ना, ये देखिए सबने रेन कोट पहन के जा रहे हैं इधर उधर। बारिश का मौसम है तो भीगना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, बीमार भी हो जाते हैं। आगे पहुंच चुके हैं, ये इतना सुंदर जंगल है ना, इतना प्यारा जंगल है ये यहाँ पर, देखिए एकदम से पेड़ हैं, बारिश प्यारे प्यारे पेड़, देखिए पूरा घना जंगल एकदम हरा हो रखा है बारिश की वजह से। तो ये देखिए इधर उधर से पेड़ पौधे, और बीच से इतना मस्त लग रहा है एकदम। तो चलते हैं फिर आगे की, और आगे भी एक मंदिर भी है, माता काली माता मंदिर का मंदिर है आगे में, वहाँ से भी जा रहा है। तो बाकी देखिए आगे पेड़ दिख रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर पेड़ दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा। और ये देखिए इसमें सरिया लांच के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही छोटी छोटी गाड़ियों में ले जाते हैं ऐसा सामान जो भी है, छोटा मोटा सामान। तो आप देखिए यहाँ पर कैसा लग रहा है, घना जंगल, एकदम मूवी की शूटिंग हो सकती है यहाँ पर इस जगह पर। ये देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, और बरसात के मौसम में ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पर धूप, मतलब थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर शांत था मौसम, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर भैंस गुजर के भैंस चल जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भैंस है ना। और ये है माँ डाट काली माता का मंदिर, जय है माता जी, ये देखिए। तो हम जा रहे थे डियर पार्क घूमने के लिए, हमारा ही डियर हो गया है यहाँ पे। ये देखिए इतनी भयंकर बारिश आ रही है ना, ये देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया। और यहाँ पर हम छाता लेके बैठ रखे हैं अभी मम्मी और मैं, बाकी महेश और दीदी आगे पे हैं। देखिए बारिश का मौसम, बाकी दिखाता हूँ मम्मी कितने भीग गए हैं अभी, भयंकर भीग गए हैं हम, और छाता लेके अभी यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो बहुत तेज़ बारिश हो गई है, ये आगे भी भीगे अभी भी भीग गए हैं,
तो देखते हैं बारिश रुकती है नहीं रुकती है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है यहाँ पर, लगातार बारिश हो रही है 4-5 दिन से। बारह और बरसात तो लगातार हो रही है और हम पहुंच चुके हैं मालसई डियर पार्क, ये उसका गेट है। बाकी हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ बाहर से नज़ारा, एकदम सुंदर दिख रहा है। बाकी दीदी और ऊपर पे टिकट काट रहे हैं और गाड़ी आगे लगा दी है हमने और दीदी और ऊपर चले गए हैं घूमने, देख रहे हैं अभी। तो मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, देखिए जाते जाते रास्ते में इतने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। और ये है अंदर जाने का रास्ता जो कि अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट कटता है तो टिकट काट रहे हैं, वहाँ पे लिख रखा है देखिए टिकट काउंटर, वहाँ पे टिकट काटिए फिर यहाँ से जाइए अंदर की ओर। ये है मस्त जगह एकदम मालसई डियर पार्क, तो आप लोग भी आ सकते हैं। चलते हैं फिर अंदर की ओर, तो यहाँ से जा रहे हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पे टिकट चेक होता है उसके बाद अंदर जाते हैं। चलो उबा, तो टिकट हो चुका है चेक और अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर की ओर। ये देखिए यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं शुरुआत में जब जाओगे ना, तो यहाँ पर देखिए झूले भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, देखिए फन पार्क लिख रखा है। और बारिश तो यहाँ पर बहुत तगड़ी हो रही है, बहुत तगड़ी। और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिखता है आज हमें, तो सारे दिखाएंगे आप लोगों को कैप्चर करके। देखिए यहाँ पर बैठ रखा है मंकी जहाँ भी जाओ मंकी मिलते ही मिलते हैं और डस्टबिन बना रखा है खरगोश, एक प्यारा सा खरगोश ही देखिए इसको बना रखा है डस्टबिन। बाकी मैं जूते लेके आ रखा था, पूरी बारिश में भीग गए हैं जूते। और ये है जाने के लिए रास्ता, अभी ऊपर से जाएंगे, पहले यहाँ से वापस आने का रास्ता था, इस बार जाने का रास्ता है यहाँ से, क्योंकि ऊपर साइड बहुत कम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे चिड़िया हैं बहुत ज़्यादा, तो वहीं चलते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए पैरट बैठ रखे हैं, और देखिए वहाँ पर इनके लिए पानी के लिए खाने के लिए व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए यहाँ पर पैरट, ये यहाँ पर पेड़ बना रखे हैं तो इस पर भी बैठ रखे हैं छोटे छोटे तोते, इसे घर पर भी पालते हैं, देखिए नीचे भी बैठ रखे हैं और ऊपर घोंसले बना रखे हैं उनके लिए। तो इसका नाम यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ लेना। ये भी हैं इसमें लवर्ड, ये देखिए सामने पर बैठ रखे हैं, वहाँ पर दिख रहे हैं वो किनारे पे, वहाँ पे बाकी घोंसले बन रखे हैं ना तो उस पर बैठ रखे हैं। तो अभी आगे चलते हैं, फिर देखते देखते जाएंगे ना, पूरा दिखाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा। ये क्या होता है, सिल्वर फिजर्ड, ये देखिए सिल्वर फिजर्ड जैसे यहाँ पर दिखा रखा है वैसे ही सेम, वो देखिए वहाँ पर है खड़ा और एक दिख रहा होगा। बाकी बारिश से मेरे हाथ कांप रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप लोग। रास्ता बन रखा है हाँ, ये देखिए इसका नाम क्या है, गोल्ड फिजन, ये देखिए सोने का चिड़िया, मतलब ओ भाई 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 वो रहा अंदर दिख रहा है, उसके अंदर बैठ रखा है। बाकी ये नीचे बैठ रखे हैं यहाँ पर, देखिए एकदम सोने जैसा है वो भी। तो अभी यहाँ पर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आगे की ओर जाते हैं, ठंडा हो रहा है ना, तो इतना मस्त बना रखा है सुंदर एकदम। पर है मोर पीकॉक, मोर और मोरनी है, ये देखिए मोर इसमें बैठ रखा है, ये है ना जो ये कलरफुल वाला मोर है। बाकी देखिए यहाँ पर बैठ रखे हैं, ये है मोरनी, तो यहाँ पर भी बैठ रखा है, इस वाले में भी बैठ रखा है। तो अभी आगे चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ मैं, ये जंगल बना रखा है, पूरा जू है पार्क। चलो तो यहाँ पर एडवेंचर पार्क भी है, ये देखिए ऊपर पे उस सीढ़ी पे चढ़ना है वहाँ से, तो वहाँ से ये जिप लाइन भी है वहाँ जाने के लिए बनाने, लेकिन अभी यहाँ पर बंद हो रखा है शायद ये एडवेंचर वाला, ये वाला इस पे बना रखा है एडवेंचर यहाँ तक। ये कितनी सुंदर जगह है, यहाँ से बना रखा है और यहाँ इधर उधर से पेड़ लगा रखे हैं, और ये देखिए बाँस के पेड़, ये देखिए, और यहाँ देखिए नकली मोर बना रखे हैं यहाँ पर,
नकली बना रखे हैं। बाकी मम्मी फ़ोटो खींच रहे हैं, अभी पहली बार आए हैं डियर पार्क में, तो अभी फ़ोटो खींच रहे हैं एक मस्त वाली ये मोर की, तो खींच दी है। तो अब यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर। अब नीचे भी दिखेगा एक बड़ा सा शुतुरमुर्ग, तो उसको दिखाएंगे। ये है, यहाँ से रास्ता बना रखा है, एक पुल की तरह बना रखा है, क्योंकि नीचे से है नाला, ये नीचे नाला है। और यहाँ पर है जो शुतुरमुर्ग, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को आगे जाके। शुतुरमुर्ग है यहाँ पे, पहले यहाँ पर एक ड्रैगन जैसा बना रखा है नकली लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है शुतुरमुर्ग। ये देखिए इतने बड़े बड़े शुतुरमुर्ग, अभी मैं ज़रा फोकस करके बताता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए इतने बड़े, अंदर चले गए, उनके लिए घर बना रखे हैं बड़े बड़े। और ये है शुतुरमुर्ग। ये रहा शुतुरमुर्ग, तनाव कितना बड़ा है भाई शुतुरमुर्ग, भाई साहब इसकी टांगे देखिए, और एक अंदर जा रखा है अपने घर पे। ये देखिए दूसरा घर से आ चुका है बाहर, ये देखिए कितना खतरनाक गर्दन है इनकी शुतुरमुर्ग। देखिए यहीं पे आ चुका है शुतुरमुर्ग, ये देखिए फिर ऊपर चले गया है, और उनका घर वहाँ ऊपर भी बना रखा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये यहाँ देखिए टर्की, हाँ यहाँ पर टर्की भी है, वो देखिए वो टर्की दिख रहा होगा वहाँ पे। टरकाना मत इसको, टरकाना मत इस टर्की को, ये देखिए टर्की, ये ऐसा कुछ होता है इनकी, देखिए गले में कुछ ऐसा कुछ होता है। और वो देखिए वहाँ पर है ना जो वहाँ पर बैठ रखा है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा शुतुरमुर्ग टर्की, पूरी गर्दन घुमा रहा है भाई 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए ईमू, ये जैसे ही है ना वहाँ पे भी दिखा रखा है, देखिए ये रहा ईमू जिस जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ऑस्ट्रेलिया का पक्षी। और वो पीछे चले गए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वहाँ से यहाँ ला रखा है जू पार्क में दिखाने के लिए आप लोगों को। तो अब नीचे जाके मैं मगरमच्छ दिखाता हूँ, जरा मगरमच्छ भी है क्या इसमें? तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है मगरमच्छ, ये देखिए सामने पर बैठ रखे हैं। अरे कैमरा क्या हो गया, फोकस ही नहीं मार रहा, पता नहीं क्या हो गया। देखिए ये सामने पर बैठ रखे हैं मगरमच्छ, यहाँ पर देखिए कितने खतरनाक लग रहे हैं ना, डेंजरस, एक दलदल बना रखा है उस पर डाल रखे हैं मगरमच्छ को। ये कैमरा बारिश की वजह से ख़राब हो रहा है, फोकस नहीं मार पा रहा। हम पहुँच चुके हैं कछुआ, इंडियन फ्लेश सेल टटल, टटल इसमें है, देखिए नीचे वहाँ पर दिख रहा है वो सामने पे, देखिए छोटा सा वहाँ पे देखिए वो तैर रहा है, छोटा सा है। ये कछुए हैं इसमें, और कछुए वो सामने पर देखिए उसमें कितने सारे कछुए हैं, ये वो सामने पे दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये वो हो गए, वो सारे कछुए हैं वहाँ पे, वो देखिए। और उनका घर बना रखा है वहाँ पर, देखिए वहाँ पर जा रखे हैं, घर पे जा रहे हो, और एक को खाना खा रहा है, बहुत सारे हैं इसमें, कई सारे वहाँ पर भी खाना खा रहा है, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है। तो अभी घूम रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है, बाकी मम्मी और दीदी लोग आ गए हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, काफ़ी तगड़ी वाली बारिश, और इस यहाँ पर है बल एक चील, ईगल दिखाता हूँ मैं, ईगल आप लोगों को रोड पे दिखा रखा है ना, उससे तगड़ा है वहाँ पे बाज, देखिए वहाँ पर बैठ रखे हैं ये ऊपर साइड, तीन तीन बैठ रखे हैं, देखिए वहाँ पर। वाह, अब चलते हैं फिर आगे की ओर देखने, इसमें देख लिया है काफ़ी, मम्मी सेल्फी मार रहे हैं आज। अरे भाई साहब बारिश नहीं होती तो और मज़ा आता है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ सांप है अंदर, यहाँ पर दिखा रखा है सांप स्नैक, तो चलते हैं ज़रा अंदर की ओर, और यहाँ से दिखाऊंगा मैं आप लोगों को सांप, एकदम पता ही जहर वाले सांप दिखाऊंगा। ये देखिए सामने पर भी है सांप, और यहाँ पर बैठ रखा है सबसे ख़तरनाक सांप, तो ये वाला देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त सांप है, पता ही ना मोटे मुझे नहीं हो। ये देखिए खतरनाक सांप है भाई साहब, रॉक पाइथन है पाइथन, ये देखिए यहाँ पर। तो ये देखिए ये कितना खतरनाक सांप है, बर्मी अजगर है भाई ये अजगर, ये है अजगर, देखिए सामान्य अजगर, ये देखिए इसके नीचे जा रखा है बोरियों के नीचे, और वहाँ पर बैठ रखा है वो, देखिए अजगर इतना बड़ा, जो ये अजगर दिखा रखे ना इसमें वो ही अजगर है, वो इतना बड़ा है, इसका मुँह छोटा होता है, लेकिन बाकी इसके अंदर बैठ रखा है, गर्म हो रहा है।
इस सांप का नाम है रसेल सांप, जो कि इस पेड़ पे दिख रहा है, ये पकड़ दें, जो कि इस पेड़ पे बैठ रखा है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये है रसल वाइपर और पेड़ पे बैठ रखा है, एकदम पेड़ ही जैसा लग रहा है, जैसे ये दिखा रहा है ऐसे ऐसे कलर का है वो सेम पेड़ पे। तो आगे जाके देखते हैं ज़रा आगे कौन सा सांप है भाई, कहाँ है सो रखा। अच्छा ये देखिए वो सामने पर सो रखा है वहाँ पे, तो उस जगह पे सो रखा है, और किनारे पे वहाँ पे छोटा सा भी है, वहाँ पे भी है छोटा सा, दो दो है वहाँ पे। और इस स्नैक का नाम है देंदू सर्प है भाई ये। तो आगे चलते हैं फिर, देख सकते हैं आप लोग कितने लोग आ रखे हैं देखने के लिए यहाँ पर आज बारिश के मौसम में भी। और ये ऐसा कुछ हाउस बना रखा है, और यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी है यहाँ पे। कौन सा ये देखिए केंचुए निकाल रहा है अपनी, और ये रहा यहाँ पर सांप, केंचुए निकाल रहा है भाई अपनी। अब इस सांप का नाम है भारतीय नाग, नाग है भाई जो ये नाग है ना वो है यहाँ पर। ये देखिए अपनी केंचुए निकाल रहा है, केंचुए निकाल रहा है असली नागिन वाली। ये देखिए हाँ केंचुई निकाल रहा है ये यूं नहीं उड़ूंगी, ये किसके नीचे भी है मटके के नीचे, अभी तो पानी में जा रहा है, पानी पी लग गया भाई साहब। कॉमन केट ये देखिए सबसे खतरनाक जहरीला सांप, और ये है जो इसके अंदर है, ये देखिए इसके अंदर है तीन चार घंटा वो उसी के अंदर है, दो तीन है क्या उसमें, छोटे छोटे होते हैं वो, बस इसके अंदर है वो, ताले के अंदर पैक है, तभी तो जहरीला है वो, क्या पता निकल जाए बोल के, तो ताला के अंदर पैक कर रखा है और वहाँ पर है वो बैठ रखा, वहीं खाना देते हैं उसको। चलते हैं जरा आगे की ओर, बहुत जहरीला सांप है, डिस्कवरी में दिखाया जाता है। और ये देखिए ये एकदम आराम से बैठ रखा है यहाँ पे, ऐसा लग रखा है जैसे जैसे बोरी नहीं, बोरी पे नहीं बिठाते। ये देखिए रेटिकुलेट पाइथन भाई साहब, इतना मोटा सांप ये देखिए, और ये बना रखा है उसके जाने के लिए। अब ये कॉमन सैंड बोआ, और इस ये देखिए ये सांप है, और जैसे पूंछ है वैसी मुंह है इसकी, ये देखिए यहाँ पर पड़ रखा है, देखिए पूरा ब्राउन ब्राउन जैसा है, डिब्बे जैसा दिख भी नहीं रहा था, मुख तल दबा कर था ना पूंछ लगा से, हाँ पूंछ और मुंह जैसा सेम एक सेम ही है, और इसका घोंसला घोंसला बना रखा है अंदर बोल के, वहाँ कुछ डालेंगे दाल दाना उसके बाद आएगा वो खाने के लिए। और यहाँ पर है बॉल पाइथन, बॉल पाइथन वो पानी में सो रखा है, वो भाई साहब एकदम वाइट वाइट दिख रहा है, पानी में सो रखा है बॉल पाइथन। ये है वाइन स्नैक, यार ये देखिए यहीं पे आ रखा है एकदम धागे की तरह है भाई साहब, ये लटक रखा है यहाँ से लटक रखा है, और एकदम यहाँ पे आ रखा है, ये देखिए ऐसे हिल रहा है। ये दामन ये वहाँ पे सो रखा है, देखिए वहाँ पर भयंकर वहाँ पर सो रखा है, और ऐसे ऐसे घर बना रखे हैं अंदर, एक पौधा लगा रखा है, और एक उस मटके के अंदर है दूसरे वाले भी, ये देखिए मटके के अंदर सो रखा है भाई साहब, कैसे फिट हो गया इसके अंदर, इसके अंदर भी है फिट हो रखा, ये सारे स्नैक्स इसके अंदर फिट हो रखे हैं। ये इगुआना भाई, ये इसकी जीभ इतनी लंबी होती है ना, ऐसे फेंकता है सीधा शिकार के लिए, और वो रहा वहाँ पर जो डिस्कवरी में दिखाया जाता है ना, ये देखिए वहाँ पर है, इसकी जीभ इतनी लंबी होती है ना, ये देखिए उस छोटा सा बच्चा भी उसके नीचे वहाँ पे। हम वहाँ से आ चुके हैं स्नैक देख के, और अभी हम यहाँ जाएंगे स्नैक्स, अच्छा स्नैक स्नैक्स तो खाने वाला होता है ना, इसके नीचे क्या है, ऑक्टोपस है ना, वहाँ टिकट नहीं लगता, यही कोई पता नहीं तन नहीं लियो। ये देखिए पूजा फुर्कीवान लग रही है एकदम, ये देखिए पूजा फुर्कीवान, चलो तुम्हारे हमारे हेयर फुर्की बांध, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल फुर्की बांध एंड ओके गाइस। अच्छा दोबारा आ जाते हैं।
मेरा फूल और इधर भी है और मैं सुंदर भी लग रही हूँ गाइस। और कुछ? और मैंने इतना मोटा सांप देखा है ना, कोंडा कोंडा एनाकोंडा एनाकोंडा, मुझे डर लग गया था गाइस। और मेरे पास छाता भी नहीं है, छाते से भगाना था तुमने। और मेरे पास यहाँ पे बाघ नहीं है, यहाँ नहीं है गाइस, मेरी चप्पल भी गंदी हो गई। बस बस और बस गाइस यही था आज का ब्लॉग है गाइस। देखिए गाइस ये गोरड़ है, गोरड़ इसमें बहुत सारे काकड़ है, काकड़ वो सामने है, हिरन वो नीचे दिख रहा है ना, इन्हें काकड़ भी बोलते हैं, गोरड़ भी बोलते हैं, और इनको बोलते हैं, इनको बबीता बोलते हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ रखे हैं, नीचे देखिए कितने ज्यादा है ना, इसमें भी आ रखे गाइस, बहुत लोग आ रखे हैं यहाँ पर देखने के लिए। देखो गाइस ये देखिए रशियन भाई 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 एकदम मेल फीमेल, और यहाँ पर पानी पानी डाल रखा है उन्हें पीने के लिए। नीचे नीचे देखिए वहाँ है सारे भाई, कितने लोग आ रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ ऊपर होगा बाघ इस वजह से, टाइगर जिंदा है। तो देखिए जो ये बाघ है ना वो उसके अंदर बैठ रखा है, वो सामने घर दिख रहा है ना उसके अंदर, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इस जगह से दिखेगा तो उस जगह से दिख भी नहीं रहा यार। यहाँ से आगे जाके देखते हैं गाइस, यहाँ से दिख रहा है, इधर यहाँ से नहीं दिख रहा मम्मी, और पीछे से दिख रहा है। जाओ एक बार यहाँ से देखता हूँ, जरा यहाँ से नहीं दिख रहा यार, वहीं से दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा, वहीं से दिख रहा है वो गाइस। छोड़ो रहने दो मत, वो देखो वहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गाइस, तब मैं तो वो देखो यहाँ से टाइगर वहाँ पर दिख रहा है। इन पहाड़ों में स्वर्ग की छाँव में, हे महादेव आया नंगे पाँव में, मेरा घर जब तेरी ही भूमि पर, तू ही बता मेरे शिवा कहाँ जाऊँ मैं, बस तेरी रूह मुझ में ही बसती है, जहाँ देखूँ वहाँ तेरी ही दृष्टि। तो हम आ रखे इतने लोग, दो दो चार दो छः और मैं मिला के सात लोग। और यहाँ से नीचे की ओर देख रहे हैं वो काखड़ हिरण गोल्ड, ये देखिए नीचे दिख रहे होंगे यहाँ से नीचे, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं वहाँ पर बैठ रखे हैं अभी, और बरसात का मजा ले रहे हैं अभी। हिरन है, बारहसिंगा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, त्रिपुरा का गोल्डन यहाँ का काखड़। तो यहाँ पर देखिए घूम रहे हैं सारे लोग और मस्त लग रहा है एकदम। रहना बस मुझे मेरे ही पहाड़ों पर, नाम तेरे मैंने जिंदगी ये लिख दिए। अब आ रहे हैं यहाँ से और काफी इंजॉय कर लिया इन्होंने बरसात का मौसम का, तो चलो चलो आ जाओ। हाँ हाँ इस पार्क में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे जानवर भी देखने को मिले। और ये है पार्क बैठने लायक, जो यहाँ पर बैठते हैं, अभी तो सर्दी हो रही है तो कोई नहीं बैठता, बारिश हो रही है तो यहाँ पर देखिए ये तितली बटरफ्लाई बना रखी है एकदम, और वहाँ पर देखिए एकदम कागज़ के बना रखे एकदम मस्त। तो अभी यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, देखिए ऐसा कुछ बना रखा है क्या, ये दिखा तो दिए मस्त दिख रहा है, ये देखिए पूरा हरा भरा कर रखा है एकदम, हरा भरा हो रखा है। और हम यहाँ पर भीग चुके हैं यहाँ पर देखिए बारिश से मस्त। चलो हाँ वहाँ पे खड़े रहना, जा भाई पूजा ऊपर, अबे मेरे जेब पूरी भीग रखी है। दोस्तों फन पार्क के अंदर है, यहाँ पर झूले बना रखे हैं बच्चों के लिए और इसमें बैठने के लिए बना रखा है, और यहाँ से उस वो फिसलने वाला बना रखा है। बाकी जब हम यहाँ से अंदर की ओर आएंगे ना तो यहाँ पर बरसात तो अभी बहुत तेज है, ये मोगली वगैरह मोगली का सब कुछ मतलब ये बना रखा हो, देखिए शेर खान वहाँ पर, और ये देखिए भालू छोटे छोटे बना रखे हैं, ये दोनों है, और ये देखिए यहाँ पर मोगली बना रखा है और वो भालू बना रखा है वहाँ पर, ये हाथी भी बना रखा है भाई साहब, जो भी है वो बल्लू हो गया वहाँ पर, बंदर भी बना रखे हैं पीछे की साइड। बाकी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वो बना रखे हैं यहाँ पर, फोटोग्राफ लगा रखे हैं, ये देखिए ये है मोगली। तो चलते हैं फिर यहाँ पर, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है सुबह से,
और कपड़े पूरे भीग चुके हैं एकदम, और कम से कम 50 किलो के कपड़े हो चुके हैं। हाँ जी, आप लोग भी मनानी है। ये देखिए भाई लोग यहाँ पर झूला झूल रहे हैं एकदम, बिल्कुल बिल्कुल घर की ओर। यहाँ से पार्क से घूम के और इन भैया लोग मिल गए थे, तो भैया लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, तो चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर और खींचने के फ़ोटो लाओ। कोई बात नहीं, लाओ लाओ। तो भैया और की फ़ोटो खींचता हूँ पहले मैं। ठीक है भैया, वेलकम। तो देखिए यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है, और फ़ोटो शोटो खिंचवा लिया है। बाकी देखिए घर जाते समय ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है ना, और भैया लोग भी आ चुके हैं यहाँ से। तो चलते हैं फिर यहाँ से अब घर की ओर। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है यहाँ से, और यहाँ से जाना है हमें सैलाकुई साइड, और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है बारिश। और यहाँ कुछ खाने पीने के लिए है यहाँ पर होटल वोटल, आप खाना भी खा सकते हैं यहाँ पे रुक के। और ये देखिए पूजा कुछ कर रहे हो भाई। भाई दोस्तों हमने घूम लिया है पार्क में, और घूम के मतलब हालत देखिए ना, बारिश से इतनी ख़राब हो रही है ना भाई साहब, क्या बोलें, पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया है यहाँ पर देहरादून में, और लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश। और यहाँ पर आप चीज़ को आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप लोग देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। तो ये फेस रिवील करता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देख से दिखा रहा हूँ, नीचे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसके टायर, देखिए सबसे पहले आप टायर देखिए गाड़ी के, भाई क्या मॉडिफाई कर रखी ये देखिए गाड़ी, अब भाई साहब इतनी ख़तरनाक गाड़ी मॉडिफाई कर रखी एकदम। ये देखिए टायर देखिए, सब कुछ देखिए, एकदम खिलौना बना रखी है मस्त वाली। ये देखिए भालू पूरे, अच्छा यहाँ के टूरिज्म की यहीं की है, मतलब जंगल वाइल्ड की, जो यहाँ पर वो जू पार्क बना रखा है ना, उसकी गाड़ी है ये। देखिए कितने भयंकर मॉडिफाई कर रखी है। तो यहाँ पर हमारी एक्टिवा खड़ी, तो यहीं से चलेंगे अभी घर की ओर। बाकी बारिश तो रुकेगी नहीं, अभी एक हफ्ते लगातार बारिश है। और यहाँ पर कर रखी है देखिए बाइक, बाइक के लिए यहाँ पार्किंग है, बाकी कार के लिए नीचे है पार्किंग। तो यहाँ कर रखी है अपनी गाड़ी पार्क हमने, और ये ऊपर है जो पूरा जू पार्क है। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है, गर्मी के मौसम में ठंड लगने लग गई। और ये देखिए यहाँ पर कर रखिए, बाकी यहाँ से देखिए जो ऊपर से पानी आ रहा है ना नाला, और यहाँ पर बह रहा है, यहाँ से नीचे की ओर जा रहा है, तो इतना बड़ा नाला हो चुका है पानी का। ओ भाई साहब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मेरे को तो ठंड लग रही है भयंकर। तो अब पहनते हैं हेलमेट फिर चलते हैं। अब हम घूम के घर जा रहे थे, रास्ते में देखिए बारिश भी अभी भी लगी हुई है, तो हम बारिश में जा रहे हैं घर। बाकी बहुत भयंकर बारिश लग रही है, सुबह से लेके अभी भी लगी हुई है, और सब भी देखिए लेकिन छाता लेके जा रहे हैं गाड़ी में भी। क्या हाथ ले घूमने जाने से ना चल गाइस, हम रूज चुके हैं, मतलब भीग चुके हैं। बाकी है यहाँ पे सारा मेकअप भी बह गया, लेकिन मैं फिर भी सुंदर ही लग रही हूँ गाइस। गाइस और क्या बोलूँ गाइस, मैं मेरी बाय गाइस। बहुत घना जंगल है गाइस, ठंड लग रही है गाइस। ये रही
दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी ना, हाथ खोल के देख लो गाइस, लगा है। और ये पापा की एक सुंदर सी परी गई जो मुझे देख के हंस रही थी, स्माइल कर रही थी क्योंकि मैं उसको अच्छी लगी। मुझे तो ठंड लग रही है, आप तो रजाई के अंदर घुसे होंगे। खैर अब आपने भी नहीं बोला था कि घूमने जा, इसलिए मैं आपको भी कुछ नहीं बोल सकती, मैं अपनी मर्जी से गई थी। तो गाइस कोई बात नहीं, आप लोग देखिए हम यहाँ अब घर पहुँचने वाले हैं बस। तो ठंड ही 10 मिनट का रास्ता है, उसके बाद कपड़े चेंज करके सीधा। अरे बाप रे, पुलिस वाले की गाड़ी गाइस। हाँ तो कहाँ पे थी मैं, घर पहुँच के सीधा रजाई के अंदर घुस जाएंगे। अंजलि दोस्तों पहुंच चुके हैं हम रूम पे, और हालत देखिए कैसे हो रखी है, एकदम डाउन हो गई है भाई साहब। इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना, सुबह से लेके अभी तक हो ही रही है। बाकी मम्मी लोग तो आ रहे हैं पीछे, और दीदी और बहन आ चुके हैं अंदर। ये देखिए ये हालत, पूरे कपड़े भीग चुके हैं पूरे के पूरे, और पूरे नीचे देखिए यहाँ तक पूरे भीग चुके हैं कपड़े, और ये भीग चुकी है पीछे देखिए। तो पहले कपड़े चेंज करते हैं वरना बुखार आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आके नहा लिया है मैंने, और काफ़ी ठंड हो रही थी। बाकी कपड़े तो सारे भीग चुके हैं, लास्ट कपड़े बचे हैं जो भी। और अभी प्रसन्ना वहाँ पर चावल बना रही है क्योंकि भूख भी लग चुकी है, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था। और थोड़ी देर में पार्टी भी होगी, पीछे बलून फुला रखे हैं हमने, जाते टाइम पहले हमने बलून फुला लिए थे, उसके बाद गए थे हम। बाकी बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे।